अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम ईद उल अधा के पार्ट टू को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट वन अपलोड हो चुका था, आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। आज जो मसाइल बाकी रहते थे हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह तमाम मसाइल ही इस लेक्चर में एड्रेस हो भी जाएंगे। तो आज का जो पहला मसला वो ये है कि जानवर को गोली मार कर फिर ज़िबा किया जा सकता है या नहीं। तो अगर जानवर ज़ख्मी होकर भाग जाए उसको गोली मारकर ज़िबा कर सकते हैं, और गोली मारने से पहले अगर वो मरने से पहले आपने उसको ज़िबा कर दिया तब भी वो ज़िबा ही कंसीडर होगा। अगर जानवर भिदक गया या अभी आप छुरी चला रहे थे, थोड़ी सी छुरी चली वो भाग गया, अब आप देखते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है या वो नुकसान कर रहा है, आप उसको गोली मारें और गोली मारने से पहले आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसके बाद आप जानवर को फायर मारेंगे। जब वो जानवर गिर जाएगा आप उस जानवर के ऊपर जाके उसको ज़िबा प्रॉपर तरीके से उसी तरह से कर लेंगे। लेकिन जानवर जो है वो हर एक जानवर को आपने गोली नहीं मारनी है, यानी जिस जानवर को भी आपने देखा ज़िबा करने से पहले उसको एक गोली मारें, गोली मार के आप उसको ज़िबा करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ वही जानवर जो कंट्रोल से बाहर हो गया और फरार हो गया, तो ऐसे जानवर जो काबू नहीं आ रहे हैं हम उनको फायर मार के उनको कुर्बानी के लिए बना सकते हैं। लेकिन अब आपने हर जानवर को इस तरह से गोली नहीं मारनी, सिर्फ ये कुर्बानी के लिए खास ये चीज़ है। फिर गोली जो है वो मारने के दौरान वो चीरने का काम भी करती है, जब गोली लगती है तो वो चीरने का काम भी कर सकती है। तो जब हम गोली चलाएंगे तो जानवर जो है हमारे पहुँचने से पहले मर भी सकता है, तो वो भी हलाल रहेगा। अगर कोई जानवर हमारे पहुँचने से पहले पहले मर गया वो हलाल है, हराम नहीं है वो। लेकिन गोली चलाने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना भी लाजिम है। जैसे शिकारी भी जो है, जैसे शिकार अगर हम करें, वो शिकारी जो है अगर वो फायर चलाता है उस परिंदे को, वो परिंदा तो नीचे गिर के मर जाता है, तो ऐसे नहीं होता हम कहें वो हराम हो गया, नहीं, आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के गोली चलाएंगे, जब वो गिरेगा वो बिल्कुल हलाल होगा। तो हम गोली चलाने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, लेकिन गोली सर में नहीं मारनी, गोली सर के अलावा ऐसी जगह पर मारनी है जहाँ से खून भी निकले और वो खून रस के वो मर जाएगा। फिर सूरह इनाम की आयत नंबर 143 और 144 में पांच इकसाम ऐसी जानदार की आई हैं जो कुर्बानी के लिए लग सकती हैं, और इसका कुछ हिस्सा सूरह हज में भी आया है बहीमतुल इनाम के नाम से। तो पांच जानवर कौन कौन से हैं? नंबर वन है दुम्बा या जिसको मेंढा भी कहते हैं। नंबर टू है भेड़, उसका नर भी यानी नर मादा भी और मादा नर भेड़ भी और मादा भेड़ भी। फिर नंबर थ्री है बकरा और बकरी। फिर नंबर फोर है गाय और नंबर पांच है ऊंट। ये पांच ऐसे जानवर हैं जिनको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एड्रेस कर दिया कि हम इनको कुर्बानी के लिए हलाल हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक मुसिन्ना की शर्त भी आती है। मुसिन्ना कहते हैं कि ऐसा जानवर ऐसा जिसके ये नीचे के दो दांत बिल्कुल वाज़े हो चुके हुए हैं। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हराम तरीके से पैसा कमाते हैं, वो जानवर के तमाम दांत तोड़ के ये दो दांत दिखाते हैं कि ये देखें जी ये दो दांत इसके हैं, बाकी इसके दांत नहीं हैं, तो ये दोंदा हो चुका हुआ है, बिल्कुल हराम है, उस शख्स ने हराम कमाया, वो दोजख की आग का बिल्कुल ईंधन बनेगा। ऐसा शख्स जिसने फ्रॉड किया, अल्लाह पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अहकामात हैं कि मोमिन धोखा नहीं देता, और जो हम में से नहीं है जो शख्स धोखा देता है। तो जो मसिन्ना है कुर्बानी के लिए ये शर्त है। अच्छा, भेड़, अगर भेड़ होगी या दुम्बा होगा वो खीरा भी लग जाएगा, लेकिन उस खीरे के लिए भी उसकी जो उम्र है वो एक साल होना ज़रूरी है, एक साल से कम नहीं। लेकिन कोई और जानवर होगा और उसमें चाहे वो बकरा हो या बकरी हो और वो चाहे पक्का खीरा हो, कहते हैं जी बिल्कुल पक्का खीरा आप ले जाएं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, वो आपका सदके का जानवर निकलेगा। हाँ, आप उसको ज़िबा करें, ज़िबा करके वैसे अल्लाह के लिए बांटना है बांट दें। अगर आप कहेंगे जी कि पक्का खीरा जो है वो कुर्बानी के लिए लग जाएगा, बकरा या बकरी वो नहीं लगेगा, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। हाँ, भेड़ और दुम्बा लग सकता है, वो भी एक साल का होना ज़रूरी है। ईद उल अधा में हम लोग जो है वो गाय के और ऊँट के कितने हिस्से करेंगे? तो ईद उल अधा में आप अलैहिस्सलाम ने गाय में सात लोगों को शरीक फरमाया था और ऊँट में भी हुदैबिया वाले साल में सात लोगों को शामिल फरमाया था, और बकरी पूरे घराने के लिए एक होगी। लेकिन जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन इब्ने माजा में, मुसनद अहमद में और अल मुस्तदरिक लिल हाकिम में है कि ईद उल अधा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
गाय में 7 लोगों को शरीक फरमाया और ऊंट में 10 लोगों को शरीक फरमाया। तो ऊंट में 7 लोग भी और 10 लोग भी, दोनों ही साबित हो गए। फिर भैंस के बारे में एक इशू आता है कि भैंस कुर्बानी के लिए की जा सकती है नहीं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि भैंस एक हलाल जानवर है और भैंस की कुर्बानी का मसला एक इज्तिहादी मसला है, ठीक हो गया। तो इसका कुर्बान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसको कुर्बानी के लिए ज़िबा करना, तो जो भैंस का मेल है, नर है, उसको कहते हैं कटा, वो तो कुर्बानी के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। इसी तरह जो गाय है उसका नर भी इसी मसले में आता है। लेकिन जो चीज़ है कि हम इसकी कुर्बानी के बाद क्या वो कुर्बानी हो जाएगी या नहीं, तो वो कुर्बानी उसकी इज्तिहाद है। अगर कोई कर लेगा तो उसने हराम काम नहीं किया, ना उसने गैर इस्लामी काम किया है। भैंस एक हलाल जानवर ही है और उसने हलाल जानवर को कुर्बान किया। लेकिन बेहतर है, अफजल यही है कि जो अल्लाह पाक ने सूरह इनाम में 5 जानदार बता दिए हैं, वो 5 ही हम कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करें। वैसे भी भैंस से दूध लें, लाजमी उसको आपने कुर्बान करना है। वो 3-4-5 लाख की भैंस आती है, उससे आप दूध का फ़ायदा उठाएं, उसकी बजाय आप कुर्बानी में वो चीज़ शामिल करें जो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमा दिया। फिर सूरह निसा आयत नंबर 119 में शैतान ने कहा था, ए अल्लाह मैं तेरी उम्मत को उभारूंगा। तो अब हम खसी जानवर के बारे में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि मैं तेरी तखलीक को बिगाड़ूंगा, मैं तेरी फितरत को बिगाड़ूंगा। तो इस आयत की तफसीर ताबेईन यानी कि अल्लाह के नबी, फिर सहाबी, फिर ताबी, यहाँ से यानी कि ऐसा शख्स जिसने सहाबी को देखा हो, उसने भी इस आयत की ये तफसीर की है कि जानवर को खसी करना उसकी तखलीक बिगाड़ने के बराबर है और उसकी फितरत बिगाड़ने के बराबर है। अब ताबी का फतवा ये है कि अगर आप किसी खसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो वो कुर्बानी ठीक नहीं है, क्योंकि कुरान में ये आया है कि शैतान इंसान को इस चीज़ पर उभारेगा कि वो अल्लाह की तखलीक को बदले, और खसी करना जानवर को अल्लाह की तखलीक को बिगाड़ना है। अगर कोई मर्द खसी होता है, हम उसमें तो बड़े ऐब निकालते हैं, ये जी ऐबदार शख्स है, तो जानवर जब खसी हो जाएगा तो वो ऐबदार नहीं हो जाएगा। और ऐबदार जानवर के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐबदार जानवर की तो कुर्बानी नहीं होती। तो अब इसमें लेकिन हम देखेंगे इस मसले को, हम इस नौयत से भी देखेंगे, लेकिन कुर्बानी खसी जानवर की उम्मीद है अल्लाह पाक कबूल कर ही लेगा। अब हम यहाँ अच्छी उम्मीद ही रखेंगे क्योंकि ऐबदार जानवर की कुर्बानी का बड़ा सख्त मसला है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल कर ही लेगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे अल्फाज में जो मौजूद है हदीस पाक, उसमें यह है कि जो खसी जो ऐबदार जानवर है उसकी जो निशानियाँ हैं वो है कान कटा ना हो, सींग टूटा ना हो, लागर ना हो, लंगड़ा ना हो, अंधा ना हो, या उसकी एक आँख न ज़ाया हो जाए। अब इन निशानियों के बाद हम सिर्फ इस चीज़ की अल्लाह पाक से उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमा ही देगा खसी जानवर की। तो अफजल लेकिन यही है, वही हम काम करें जो अल्लाह के हुक्म के ज़्यादा करीब हो। फिर छोटी ईद और बड़ी ईद पर खाना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी ईद पर मीठी चीज़ यानी खजूरें, और वो भी ताक तादाद में, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 जितने भी आप खा सकते हैं, तो नबी करीम ताक तादाद में खजूरें खाकर जाया करते थे और बड़ी ईद पर वापस आकर खाया करते थे, उतनी देर कुछ नहीं खाते थे। लेकिन अगर किसी शख्स की कुर्बानी को देर है और वो शाम तक भूखा रहेगा तो वो तो उसका रोज़ा कंसीडर हो जाएगा, और आप अलैहिस्सलाम ने ईद वाले दिन रोज़ा रखने को हराम करार दिया है। तो हाँ, हम यूँ कर सकते हैं कि आप ईद हो जाए, अगर आपका जानवर अभी नहीं भी कुर्बान हुआ तो आपके इर्द गिर्द कोई जानवर तो कुर्बान हो गया होगा, अगर कोई जानवर भी कुर्बान नहीं हुआ एटलीस्ट आपके घर में तो कुछ ऐसा होगा खाने का, तो आप आके नमाज के बाद आप अपना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, आप अपना वो जो वक्ती रोज़ा, उसको हम रोज़ा नहीं कहेंगे लेकिन जो वक्ती भूख है उसको हम ख़त्म करेंगे, और हम ईद वाले दिन जो रोज़ा ना रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है उसको भी पूरा करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि 10 ज़िलहज्जा के दिन को ईद का दिन करार दे दूँ। तो एक सहाबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक दूध देने वाली बकरी है, वो भी मुझे किसी ने तोहफा दिया था, मैं तो इतना गरीब हूँ कि मैं तो वो बकरी भी नहीं ले सकता था, अब मैं उसका दूध पीकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो क्या मैं उसको कुर्बान कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे ज़िबा मत करो, तुम ईद के दिन अपने बाल, नाखून और मूछें ये आप काट लेना, और ज़ेरे नाफ़ बालों को भी अपने को काट लेना, तो
अल्लाह के यहाँ तुम्हारी मकबूल कुर्बानी लिखी जाएगी, ये मशकात में 1479 नंबर हदीस है। तो ये बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह के नबी ने हमें दे दिया। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा करे वो फिर 10 दिन तक अपनी खाल से कोई चीज़ नहीं उतार सकता, उसमें हर तरह के बाल और नाखून शामिल हो। अब अगर किसी शख्स की कुर्बानी किसी वजह से नहीं है और वो भी ईद वाले दिन बाल नाखून मूंछें और ज़ेरे नाफ बाल काटता है तो उसको भी मकबूल कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। यानी ऐसा गरीब शख्स जो कि नहीं कर सकता और जिसकी कुर्बानी है वो भी 10 दिन बाद ये अमल करेगा तो एक मकबूल कुर्बानी का सवाब पा लेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि हमारे तमाम वो वाले मसाइल जो हम डेली लाइफ के अंदर ईद उल अधा के मौके के ऊपर फेस करते हैं वो तमाम के तमाम क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें कोई भी इश्यूज होंगे तो इंशाल्लाह हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे और अगर कोई वीडियो बनाना पड़ेगी तो हम इस पर वो वीडियो भी बना लेंगे। उम्मीद है ईद के इन 10 दिन और ईद वाले दिन और ईद के फिर 11 और 12 ज़िलहज्जा तक जितने भी फ़ज़ाइल हैं वो तमाम फ़ज़ाइल हम समेट लेंगे और तमाम मसाइल हमारे डिस्कस भी हो गए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए मसले के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।